नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 2022-23 के आम बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण पर विचार मंथन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस कार्यशाला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पंडित शंभुनाथ शुक्ला सभागार में शुरू की गई कार्यशाला का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय तथा प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बजट के प्रमुख बिंदुओं को आम जनों के बीच ले जाना और उस पर नए विचारों के संबंध में मंथन करना था। इस कार्यशाला के लिए सभी भाग के सभी जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगरी निकायों के प्रतिनिधि तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण दिया गया था। कार्यशाला में प्रमुख रूप से राजनीति एवं योजना आयोग के सचिव IAS स्वतंत्र सिंह मौजूद रहे। इस दौरान रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, पंचायत CEO, नगर निगम आयुक्त APS, यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रामाचार्य शुक्ला सहित अन्य प्रोफेसर एवं अधिकारियों ने अपनी सहभागिता निभाई है। संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका क्या उद्देश्य है? बच्चों से काफी चर्चाएं हुई। देखिए, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट और बजट 2023-24 के संबंध में संभागीय स्तर पर परिचर्चा का आयोजन करने का निर्णय राजशासन ने लिया। इसके माध्यम से हमारी जो जनरेशन है, जो खासतौर पर जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, एकेडमिक क्लास है और जो बिजनेस क्लास है, और आम जन तक बजटीय प्रावधान किस तरीके से राजशासन की ना पूरी मंशा रहती है विभिन्न सेक्टर्स में बजटीय प्रावधान करने के, उसको अवगत कराना है। साथ में आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से जो पुराने समय से जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उसमें हमने कितने प्रावधान किए, क्या उनका इम्पैक्ट इवेल्यूशन हुआ, क्या उनके परिणाम आए, तो वो भी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के माध्यम से लोगों को अवगत कराना है। यह मुख्य रूप से सरकार और शासन की जो एक परिदृश्य है मध्य प्रदेश को डेवलप करने की और किस तरीके से डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश, वह पूरी कार्य योजना और अभी तक का जो स्टेटस है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, और आम जन तक इसको हम किस तरीके से पहुंचा रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं, तो वो परिचर्चा के माध्यम से इसमें प्रयास किया गया है।